So this question is from IIT Advance 2019 paper 1 and the question belongs to the chapter called chemical bonding. तो अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल द फोर मॉलिक्यूल्स पॉजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर. मतलब कि आपको इनमें से ऐसा छाटना है कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस छाटने जिसमें चारों के चारों जो यहाँ पे स्पीशीज लिखी हुई हैं ऑप्शन के अंदर सबका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आए, डेवलपमेंट कैंसिल होकर जीरो ना आए. अगर कहीं पे कोई एक भी ऐसा पाया गया किसी भी ऑप्शन में जिसमें डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा तो वो वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे. जैसा कि साफ साफ आपको दिख रहा है, मैं आपको सीधा सीधा दिखा दूँ, यहाँ पर जैसे आपको BF3 दिख रहा है, अगर आप BF3 का मॉलिक्यूल बना के देखो तो BF3 का मॉलिक्यूल कुछ ऐसा सा ट्राइगोनल प्लेन होता है और यहाँ पे इसका डेवलपमेंट जीरो हो जाएगा. बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डेवलपमेंट कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखिए CO2 आपको दिख रहा है, CO2 आपको ऐसा होगा, CO2 का डेवलपमेंट यहाँ पे कैंसिल आउट होकर इसका भी जीरो हो जाएगा. ठीक है जी. एक आपको यहाँ पे BCl3 दिख रहा है, BCl3 का डेवलपमेंट कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा. एक आपको यहाँ पे BeCl2 दिख रहा है, इसका डेवलपमेंट भी कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ऐसे ऑप्शंस जहाँ पे डेवलपमेंट आपके कैंसिल होकर जीरो हो जाए, जैसे इसका डेवलपमेंट जीरो है, इसका डेवलपमेंट जीरो है, इसका डेवलपमेंट जीरो है, इसका डेवलपमेंट जीरो है, तो ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना है. ये ऑप्शंस काट दिए जाएंगे, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते. तो ना तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है ना ही फोर्थ ऑप्शन आंसर है. तो जो एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है वो शायद ये आ रही है कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपके आंसर हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शायद कोई भी ऐसा स्पीसीज मेरे को नज़र नहीं आ रहा है जिसका डेवलपमेंट आपका जीरो हो रहा हो. मैं आपको बना के दिखाता हूँ, चाहो तो एक बार देखिएगा. तो जैसे अगर मान लो मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूँ, उसके स्ट्रक्चर्स बनाऊँ, तो जैसे N2O बनाओ, तो N2O विल समथिंग लुक लाइक दिस, कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा और इसका डेवलपमेंट भी आपका जीरो नहीं होगा. ऐसे यहाँ पे आपको अमोनिया दिख रहा है, अमोनिया का स्ट्रक्चर आप जानते हो, पिरामिडल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी आप देखोगे तो डेवलपमेंट कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं हो पाएगा. ऐसे POCl3 आप देखते हो, POCl3 अगर आप देखें तो इसमें भी डेवलपमेंट आपका कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं हो पाएगा. ऐसे नेक्स्ट आपका क्या दिख रहा है, CHCl3 फिर से टेट्राहेड्रल होने के कारण की वजह से मैं यहाँ पे बोलूँ कि जैसे कि Cl यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, इसका भी डेवलपमेंट कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं हो पाएगा. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. सिमिलरली एक बार थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, थर्ड ऑप्शन को देखते हैं. थर्ड ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड ऑप्शन के अंदर जो आपको दे रखे हैं SO2, तो अगर मैंने SO2 दे रखा है तो SO2 को अगर आपने बनाया तो SO2 विल लुक समथिंग लाइक दिस. आपको पता है इसका डेवलपमेंट भी कैंसिल होकर जीरो नहीं आएगा, ये भी नॉन जीरो है. सिमिलरली अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूँ तो इसका भी डेवलपमेंट कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं हो पाएगा. सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास H2S दे रखा है, और H2SE दे रखा है, जो कि एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल जैसा इसका स्ट्रक्चर बनाना, जैसे वाटर का बनाते हो तो जैसे H2O बनाते हो वैसे H2SE, और इसका भी डेवलपमेंट जीरो नहीं हो पाएगा कैंसिल आउट होके, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर भी होंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, अगला क्या है, अगला है आपका BRF5. अगर आप देखो तो आपको याद होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती थी, उस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर एक हो जाता था लोन पेयर और बाकी सब जगह पे क्या लगा होता था आपका, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, इसमें भी डेवलपमेंट आपका जीरो नहीं हो पाता था. तो इस कारण की वजह से जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर जितने भी स्पीशीज हैं उनमें से किसी का भी डेवलपमेंट जीरो नहीं है. दैट्स वाई द आंसर शुड बी 2 एंड 3. थैंक यू.